कितने लोग गिरफ्तारी हुई है, मामला क्या था, पूरी जानकारी दीजिए। इस महीने की 3 तारीख को मुजेसर एरिया जो सेक्टर 24 है वहाँ पे एक स्टील की फैक्ट्री है, वहाँ पे 6-7 व्यक्ति आए थे और उन्होंने फायरिंग करी थी और फिर वो वहाँ से फरार हो गए थे। इस मामले में हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है। इनको कल रात इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनमें से 1 सेक्टर 31 के एरिया से और 1 NIT के एरिया से गिरफ्तार किया गया है। ये जो लोग हैं इन्होंने इस जो वाकया है इसको अंजाम दिया था फिरौती मांगने के उद्देश्य से। उन्होंने बाद में जो फैक्ट्री के मालिक थे उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। तो अभी हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको अभी कोर्ट में पेश किया गया है। तो जैसे रिमांड मिलेगी इंटेरोगेशन के बेसिस पे हमें पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मैसेज क्या देना चाह रहे थे जिस तरह उन्होंने फायरिंग की है? इनका मैसेज, इनका जो उद्देश्य जैसे मैं बता रही हूँ वो वही था कि वो जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको डराएं और उनसे फिरौती, उनसे उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की थी कि 50 लाख रुपए उनसे ले लें। क्या पहली बार तक थी कि इससे पहले क्या उन्होंने कहीं और से फिरौती मांगी थी? नहीं, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इन्होंने पहले भी इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दिया हो। बाकी अभी हम लोग इनको पुलिस रिमांड हमें मिल रही है इनकी, तो इंटेरोगेशन के बेसिस पे जो और तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आरोपियों की संख्या कितनी थी, आरोपियों की संख्या कितनी थी और ये जो रहने वाले हैं जो 2 आरोपी ये कहाँ के हैं? जो आरोपी है कुल 7 आरोपी थे उस दिन जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। अभी इंटेरोगेशन के बेसिस पे हमें पता चलेगा अगर और भी कोई व्यक्ति थे जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो व्यक्ति है जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। आपराधिक बैकग्राउंड है इन दोनों का? इन दोनों का अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। बाकी जो आइडेंटिफाई करे हैं उनमें से एक का हमें पता चला है कि पहले भी वो एक मामले में अंदर जा चुका है। जी उन्होंने फायरिंग के बाद मांग की फिरौती की। इनके नाम क्या क्या है, क्या किसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं? इनका जो अभी अरेस्ट हुए हैं इनमें से एक का नाम सतीश और एक का नाम सोनू है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ये पहले से किसी गिरोह से वो रखते हों। पर बाकी जैसे मैंने बताया अभी पुलिस रिमांड हमने ली है, तफ्तीश में बाकी बातें खुल जाएंगी। क्या काम करते हैं या कोई नौकरी करते हैं इन दोनों में से? जी अभी तो कोई नौकरी नहीं करते हैं जो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके। मैडम वारदात के समय गाड़ी इस्तेमाल की गई थी जो बिना नंबर की थी, क्या गाड़ी बरामद की? जी गाड़ी बरामद हो गई है, गाड़ी उसी दिन बरामद हो गई थी। वो व्हाइट कलर की एक स्विफ्ट डिजायर थी, स्विफ्ट थी डिजायर नहीं थी। कितने हथियार भी बरामद हुए हैं? अभी तक 2 हथियार इन लोगों से बरामद हुए हैं और कोई हथियार अभी बरामद नहीं। आरोपी इन्हीं आरोप गाड़ी इन्हीं आरोप चोरी की थी? नहीं गाड़ी चोरी की नहीं थी, इन्हीं में से एक आरोपी की थी। पुलिस पहुंची कैसे उन लोगों के पास? इनके पास हम लोग हमारे सोर्सेज इन्फॉर्मर्स के थ्रू पहुंचे हैं। जो हमें वीडियो मिला था, जो CCTV फुटेज मिली थी उसकी मदद से, गाड़ी की मदद से हमने इन्हें आइडेंटिफाई किया था। और आगे ले लो। मत जी।